नेशनल लिपिड डे के अवसर पर आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सविता अग्रवाल देहरादून से, जो हमें आज बताएंगी दिल को स्वस्थ रखने की हर बात। वेलकम डॉक्टर। डॉक्टर, डिसलिपिडीमिया से पीड़ित लोगों के लिए आहार और जीवन शैली में बदलाव पर विशेष ध्यान देने वाले हमारे लिसनर्स के लिए आपका क्या संदेश है? जो सबसे जरूरी है, फर्स्ट थिंग इज द एक्सरसाइज। लो फैट डाइट लेना चाहिए, हाई प्रोटीन डाइट लेना चाहिए, वेजिटेबल्स बहुत सारे खाने चाहिए, दालें बहुत खानी चाहिए, और नॉन वेजिटेरियन जितना कम खाएं उतना अच्छा है, बिकॉज इट इंक्रीजेस द एनिमल फैट, ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इन द बॉडी। टाइम से खाना खाना चाहिए, बेटर होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग भी करें, बट इट शुड नॉट बी मोर देन 16 आवर्स फास्टिंग। जितना हेल्दी खाना खाएंगे, जितना ज्यादा प्रोटीन खाएंगे, जितना ज्यादा आप फाइबर डाइट लेंगे, ऑर्गेनिक फूड खाएंगे, उतना आपके लिए हेल्दी होगा। और सबसे जरूरी है कि अपना एक्सरसाइज का शेड्यूल जरूर बना के रखना चाहिए, जिससे कि आप हेल्दी रहेंगे। डॉक्टर, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स का हमारी बॉडी पे इफेक्ट क्या पड़ता है? तो बेसिकली अगर ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को अगर हम कंट्रोल ना करें तो ये हमारे लिवर पे असर डालता है। सबसे पहली चीज, आज की डेट में हम देख रहे हैं कि बहुत कॉमनली फैटी लिवर हो रहा है। सो दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, बट द मेन कल्प्रिट इज द कोलेस्ट्रॉल। इफ द ट्राइग्लिसराइड इज हाई, इफ द एलडीएल इज हाई, इट डिपॉजिटेड इन द लिवर। सेकेंड थिंग, जो जितने भी कोलेस्ट्रॉल होते हैं, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, वो हमारे सारे जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें डिपॉजिट होते हैं, एंड अल्टीमेटली दे कॉजेस द कार्डियोवैस्कुलर डिजीज लाइक हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक। जो और बीमारियां होती हैं, जैसे कि पैरों में घाव हो जाने, खून की नलियां बंद हो जाती हैं, साथ में किडनी डिसीज हो जाती है, किडनी में जो ब्लड सप्लाई हो रही है उसमें अगर कोलेस्ट्रॉल जम जाता है तो रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो जाती है। डॉक्टर, नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स क्या हैं? जो टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है वो 200 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, दैट इज नॉर्मल इज 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ओके। एंड जो लो डेंसिटी को हम बोलते हैं एलडीएल सी, दिस शुड नॉट बी मोर देन 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। एंड जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसमें एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी होता है जिसे कि हम एचडीएल बोलते हैं, उसका लेवल 40 से कम नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये जो अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल है वो गलत चीजों से हमारे शरीर को बचाता है, बीमारियों से बचाता है। एंड ट्राइग्लिसराइड होता है, उसका लेवल 150 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। टाइम टाइम पे अपना चेकअप भी कराना चाहिए, जिससे कि मालूम हो कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल तो नहीं बढ़ रहे हैं। बेसिकली हमें पता ही नहीं होता कि कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए हैं, अल्टीमेटली वो डिसीज को पैदा कर देते हैं। डॉक्टर, डिसलिपिडीमिया के कारण क्या क्या है? डिसलिपिडीमिया बेसिकली होता है हमारे खान पान की गड़बड़ी से, हमें ऑयली चीजें ज्यादा खाते हैं, फास्ट फूड ज्यादा खा रहे हैं, साथ में कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो दूसरी बीमारियां हैं उनमें भी ये कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाते हैं, जैसे कि थायराइड डिसऑर्डर्स हैं, डायबिटीज है, ऑब्स्ट्रक्टिव लिवर डिसीज है, या रीनल फेलियर है। कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स बढ़ा देते हैं, जैसे कि हार्मोन्स होते हैं, प्रोजेस्टेरोन्स हैं, एनाबॉलिक हार्मोन्स हैं, स्टेरॉइड्स हैं। फिर अगर आपका एक्सेसिव वेट गेन हो रहा है, ओबेसिटी हो रही है, प्रेगनेंसी है, तो डिसलिपिडीमिया हो जाता है। जितना हेल्दी खाना खाएंगे, जितना ज्यादा प्रोटीन खाएंगे, जितना ज्यादा आप फाइबर डाइट लेंगे, ऑर्गेनिक फूड खाएंगे, उतना आपके लिए हेल्दी होगा। और सबसे जरूरी है कि अपना एक्सरसाइज का शेड्यूल जरूर बना के रखना चाहिए। डॉक्टर, डिसलिपिडीमिया क्या है? डिसलिपिडीमिया बेसिकली समझना होगा लिपिड क्या है। लिपिड मीन्स की फैट मॉलिक्यूल्स जो कि हमारे ब्लड में, बॉडी में रहते हैं, दे आर कॉल्ड एज अ लिपिड। सो डिसलिपिडीमिया मीन्स ऑल्ट्रेशन ऑफ द नॉर्मल लेवल्स ऑफ लिपिड्स, इज कॉल्ड द डिसलिपिडीमिया। देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ लिपिड, दे आर सर्कुलेटिंग इन आवर बॉडी। सो दीज आर बेसिकली कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड, दीज आर द लिपिड। टाइम टाइम पे अपना चेकअप भी कराना चाहिए, जिससे कि मालूम हो कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल तो नहीं बढ़ रहे हैं। बेसिकली हमें पता ही नहीं होता कि कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए हैं, अल्टीमेटली वो डिसीज को पैदा कर देते हैं। सबसे जरूरी है कि हमारे को अपना कोलेस्ट्रॉल के लेवल, सबसे पहले हमारे को अपना लाइफ स्टाइल मेंटेन शुरू करना चाहिए। अ पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव फॉर हेल्दी हार्ट। डॉक्टर, डिसलिपिडीमिया के कारण क्या क्या है? डिसलिपिडीमिया बेसिकली होता है हमारे खान पान की गड़बड़ी से, हमें ऑयली चीजें ज्यादा खाते हैं, फास्ट फूड ज्यादा खा रहे हैं, साथ में कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो दूसरी बीमारियां हैं उनमें भी ये कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ जाते हैं, जैसे कि थायराइड डिसऑर्डर्स हैं, डायबिटीज है, ऑब्स्ट्रक्टिव लिवर डिसीज है, या रीनल फेलियर है। कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स बढ़ा देते हैं, जैसे कि हार्मोन्स होते हैं, प्रोजेस्टेरोन्स हैं, एनाबॉलिक हार्मोन्स हैं, स्टेरॉइड्स हैं।
फिर अगर आपका एक्सेसिव वेट गेन हो रहा है, ओबेसिटी हो रही है, प्रेगनेंसी है, तो डिसलिपिडेमिया हो जाता है। जितना हेल्दी खाना खाएंगे, जितना ज्यादा प्रोटीन खाएंगे, जितना ज्यादा आप फाइबर डाइट लेंगे, ऑर्गेनिक फूड खाएंगे, उतना आपके लिए हेल्दी होगा। और सबसे जरूरी है कि अपना एक्सरसाइज का शेड्यूल जरूर बना के रखना चाहिए। डॉक्टर, नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स क्या है? जो पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव बाय इप्का लैबोरेटरीज लिमिटेड, द मेकर्स ऑफ RX Store एंड RX Store Gold।